हैं, जबकि उसकी माँ मुस्लिम। उसके पिता शादी के बाद अपना धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम हो गए थे। तुहिना के माता पिता बेहद गरीबी में जिंदगी जी रहे थे। उसके पिता गार्ड की नौकरी कर रहे थे तो माँ एक फैक्ट्री में मजदूर थी। मुस्लिम परिवार होने की वजह से उसे पर्दे में भी रहना पड़ता था। तुहिना को म्यूजिक और डांस से बेहद लगाव था, लेकिन मुस्लिम परिवार में उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं मिलती थी। एक दिन बवाना में आरआर फाउंडेशन के काउंसलर की नजर तुहिना पर पड़ी और उन्होंने उसके माता पिता को समझाकर उसकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कर दी। धीरे धीरे तुहिना के अंदर विश्वास मजबूत होने लगा और वो स्कूल के सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शिरकत करने लगी। मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और बड़ी होकर टीचर बनना चाहती हूँ। और मेरे भाई बहन वो भी मुझसे पढ़ते, मैं उन्हें पढ़ाती हूँ घर पर ही, और मैं चाहती कि वो भी अच्छे रास्ते चले। आज तुहिना अपने सपनों को साकार रूप देने के लिए मेहनत कर रही है। रॉबिन रैना फाउंडेशन ने उसे ये यकीन दिलाया कि एक दिन उसके सपने जरूर सच होंगे। साल का दिलीप आज स्कूल में होनहार छात्र है। दिलीप की कहानी बवाना के उन सैकड़ों बच्चों की तरह ही है जिसका परिवार 2 जून की रोटी को तरस रहा है। दिलीप जब 8 साल का था तो बीमारी की वजह से उसके पिता की मौत हो गई। उसकी मां की हालत ऐसी नहीं थी कि वो अपने 6 बच्चों के लिए रोटी का जुगाड़ कर सके। हालात से तंग आकर दिलीप की बड़ी बहन ने एक फैक्ट्री में बतौर मजदूर काम करना शुरू कर दिया। दिलीप दिन भर स्लम के बच्चों के साथ इधर उधर घूमता रहता। उसका बचपन तो खत्म हो ही चुका था, उसका भविष्य भी अंधेरे में दिखाई दे रहा था। एक दिन उसकी बड़ी बहन को आरआर फाउंडेशन की तरफ से चलाए जा रहे स्कूल के बारे में पता चला, जहां बच्चों को मुफ्त में पढ़ाई और अन्य सुविधाओं के साथ साथ दोपहर का भोजन भी मिलता था। उसकी बड़ी बहन ने दिलीप का दाखिला आरआर फाउंडेशन स्कूल में करा दिया। पहले तो दिलीप को केवल स्कूल में खाने और खेलने से मतलब होता, लेकिन धीरे धीरे टीचर्स और अपने दोस्तों की मदद से पढ़ाई में उसका मन लगने लगा। बड़ा हो गया वकील बनना चाहता हूँ, इसलिए सारे जितने गरीब है सारे की मदद दिलाना चाहता हूँ, सहायता करना चाहता हूँ मैं। उसके हर कदम पर रॉबिन के साथ ही उसकी मदद को तैयार हैं। दिलीप अब बीते हुए कल को भूलकर नए भविष्य की कल्पना को साकार करने के लिए मेहनत लगातार कर रहा है। सोनम को विश्वास है कि एक दिन वो अपनी माँ की किस्मत बदल कर रख देगी। सोनम के अंदर ये विश्वास भरने का काम किया है रॉबिन रैना फाउंडेशन ने। सोनम का परिवार बेहद ही गरीब था। एक दिन उसके पिता उसकी माँ के साथ हुए एक छोटे से झगड़े के बाद घर छोड़कर चले गए। पिता के जाने के बाद सोनम के परिवार को एक वक्त का भोजन भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन
रॉबिन रैना फाउंडेशन के काउंसलर सोनम के घर पहुंचे और उन्हें बताया कि सोनम अगर उनके स्कूल में पढ़ाई करे तो मुफ्त में पढ़ाई और अन्य सुविधाओं के साथ साथ दोपहर का भोजन भी दिया जाएगा। सोनम की मां ने ये सोचकर सोनम को आरआर फाउंडेशन के स्कूल में एडमिशन करा दिया कि कम से कम एक वक्त तो सोनम भरपेट भोजन कर सकेगी। मैं इतनी पढ़ने जाती हूँ अच्छे के मेरे में अच्छी है, मेरी क्लास अच्छी है, मेरे पढ़ने में अच्छा रहता है, सरकारी नौकरी करने जाते हैं। पेट भरने के लोभ में स्कूल में आई सोनम के अंदर मर चुका सपना अब साकार रूप लेने लगा है। उसका कहना है कि एक दिन वो अपने परिवार का दुख जरूर दूर करेगी। अनूप का जन्म एक बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता नंबर प्लेट पेंट करने का काम करते थे। अनूप जब 14 साल के थे तो करौल बाग में एक एक्सीडेंट में उसके सिर पर गहरी चोट लगी और उसकी आंखों की रोशनी चली गई। गरीब परिवार और उस पर घर के चिराग का अंधा हो जाना उसके परिवार के लिए कितना दुखदायी हुआ होगा आप समझ सकते हैं। अपनी आंखों की रोशनी जाने के बाद भले ही अनूप ने अपने सारे दोस्त खो दिए हों, लेकिन उसने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया। उसने धीरे धीरे ब्रेल लिपि का अभ्यास शुरू किया और थोड़े ही दिनों में अनूप ब्रेल लिपि के सहारे पढ़ने लिखने लगा। 12वीं के इम्तिहान में अनूप को 70% नंबर मिले और उसका दाखिला दिल्ली के सबसे अच्छे कॉलेजों में से एक किरोड़ीमल कॉलेज में हो गया। आज रॉबिन अनूप के लिए गॉडफादर की तरह है। अनूप की पढ़ाई का पूरा खर्च आज आरआर फाउंडेशन उठा रहा है। 2005 में रॉबिन सर के मतलब कांटेक्ट में आया तो उन्होंने बड़ी हेल्प की इस बारे में, और अभी तो फिलहाल ग्रेजुएशन एमए कर रहा हूँ मैं यहाँ से, और आगे जो है मैं सिविल्स के लिए साथ के साथ तैयारी भी कर रहा हूँ। अनूप अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। उनका सपना है कि वो सिविल सर्विसेज ज्वाइन करें। उसके सपने को साकार करने के लिए हर कदम पर मदद के लिए उनके अपने खड़े हुए हैं। बच्चों के आने वाले कल को सवारने के सपने को हकीकत में बदलते हुए रॉबिन रैना ने एक और सपना देखा जिसे साकार करना बच्चों का खेल नहीं है। रॉबिन के सपने को सच में बदलने के लिए $15 million खर्च करने हैं। रॉबिन के सपने में 6,000 परिवारों को छत मुहैया कराई जाएगी जो बेघर हैं। इस घर में 6 लोगों का परिवार आराम से रह सकता है।